एक फ्रेश मॉर्निंग के लिए आपका एक रिलैक्सिंग नाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो नाइट रूटीन स्टार्ट होता है नहाने के बाद से। ठंडे पानी से नहाना है या गर्म पानी से नहाना है ये मौसम पर डिपेंड करता है। तो नहाने के बाद फटाफट से टाइट कपड़ों से कम्फी कपड़ों में आना ही नाइट रूटीन की शुरुआत है। रात में मैं स्पेशली ढूंढती हूँ, मुझे जितने खुले जितने बड़े कपड़े मिल जाएं उतना मस्त लगता है मुझे। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी टी शर्ट मैं और ज़्यादा पहन सकती हूँ, तो ये पहनकर मैं रेडी हो गई। नहा के आने के तुरंत बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना स्किन केयर, क्योंकि इसके बाद मुझे 1 से 2 घंटे मिल जाते हैं जिससे मेरा जो ये प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से स्किन पर एब्जॉर्ब भी हो जाता है और सोते वक्त बेड में लगता भी नहीं है। तो नहाने के तुरंत बाद मैं शुरू करती हूँ अपना स्किन केयर। रात को मैं एलोवेरा में विटामिन ई की कैप्सूल लगाकर अपने फेस पर लगाती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाती हूँ। इससे क्या होता है, मेरी स्किन हाइड्रेटिंग भी रहती है, पिंपल्स वगैरह भी नहीं होते हैं, साथ ही साथ ना मेरी आईज़ भी हाइड्रेट हो जाती हैं क्योंकि मैं आईज़ के नीचे भी लगा लेती हूँ। इसे विटामिन ई मुझे बहुत सारे फायदे देते हैं, इसलिए इसको लगाने के बाद मैं अच्छे से अपने फेस पर थोड़ी देर मसाज कर लेती हूँ। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और रात भर स्किन में ग्लो भी आता है और सुबह देखकर मज़ा ही आ जाता है। तो लास्ट में लिप बाम लगाकर मेरा स्किन केयर एंड हो जाता है। मैं रात को ज़्यादा नहीं थोपती हूँ क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लगा लूँगी तो मुझे बहुत ही भारी भारी लगती है स्किन, और मैं चाहती हूँ रात को मेरी स्किन आराम से रिलैक्स होकर सोए मेरी तरह। अब सुबह हो या शाम माता रानी को नहीं भूल सकते हैं, तो रात को सब करने के बाद मैं फिर पूजा करने जाती हूँ और थोड़ी देर उन्हीं के साथ टाइम बिताती हूँ। इसके बाद मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ अपने पार्सल शेयर कर दूं। आज ही मेरे पास 2 सूट आए हैं। एक्चुअली मेरे घर में ना माता रानी की चौकी लगने वाली है तो उसी के लिए मैंने सूट मंगवाए थे, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। तो पहला सूट है ये रेड कलर का, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, पता नहीं मिंत्रा से मंगाया या अमेज़ॉन से मंगाया है शायद। तो ये उम्मीद अनुसार बिल्कुल भी नहीं आया, कपड़ा तो वैसे ही है, हर चीज़ वैसी है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा लूज़ पड़ रहा है और ना थोड़ा रंग भी इसका फेड फेड सा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये न्यू प्रोडक्ट हो। तो मैंने इसको अभी तो आपको दिखा दिया लेकिन वैसे मैंने ये रिटर्न करवा दिया है, मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। 899 इसका प्राइस था। इसके साथ आपको फ्रॉक सूट मिलेगा, साथ में नीचे से ये पजामा मिलेगा और इसकी एक चुन्नी मिलेगी, और चुन्नी तो बहुत ही ज़्यादा फेड रंग की है तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और जो सेकंड पार्सल है ये अच्छा है, ये फ्लिपकार्ट से आया है येलो कलर का, ये भी फ्रॉक सूट ही है लेकिन इसके साथ चुन्नी नहीं है और ये प्रीवियस वाले से सस्ता भी है और उससे बहुत ब्राइट कलर भी लग रहा है और घेरे भी बहुत अच्छे हैं और मुझे फिटिंग भी सही आई है इसकी, तो ये तो मैं पक्का रखूँगी। तो यही 2 सूट थे जो मैंने मंगवाए हैं। बस एक इसी वजह से मुझे ऑफलाइन शॉपिंग अच्छी लगती है। इसमें क्या होता है, आप आराम से अपना देखभाल करके कपड़ा ले सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, आप देखते कुछ हो, मॉडल पे कुछ लगता है, आप पे कुछ लगता है, इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। जब बहुत अर्जेंट होता है तभी मैं ऑनलाइन प्रेफर करती हूँ, वरना नहीं करती हूँ। चलो इतना सब करने के बाद डिनर टाइम हो जाता है तो फिर मैं खाना खाने लग जाती हूँ। खाना आज बहुत ही सिंपल सा है, ये है तोरी की सब्जी और चावल। तोरी की सब्जी वैसे रोटी के साथ भी खाते हैं, चावल के साथ भी खा लेते हैं, थोड़ा सा गीला गीला बना दो तो चावल के साथ भी हो जाता है। रात को हम ज़्यादा चावल नहीं खाते हैं, बहुत कम टाइम होता है जब हम चावल बनाते हैं, लेकिन आज बना दिए थे तो रिकॉर्ड करने तो बनते हैं। इसके बाद मैं फिर ब्रश कर लेती हूँ, ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, खाने के बाद सोने से पहले ब्रश करो ब्रश करो ब्रश करो। अब इसके बाद मेरा बेड टाइम रूटीन स्टार्ट होता है। तो आज मैं ये सॉक्स डालकर सो रही हूँ, वैसलीन लगाकर। एक्चुअली मेरी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट चुकी हैं क्योंकि गली में चल रहा है, गली का काम मतलब नई गलियाँ बन रही हैं जिस वजह से धूल मिट्टी घर में बहुत ज़्यादा हो जा रही है और मैं पूरे टाइम नंगे पैर ही रहती हूँ, तो मेरी जो एड़ियाँ हैं वो फट गई हैं, तो आजकल उनको क्योर करने का सिस्टम चल रहा है। इसके बाद मैं थोड़ी देर बुक पढ़ती हूँ, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लेती हूँ, भगवान जी की बुक पढ़ लेती हूँ, उनका कोई सीरियल देख लेती हूँ या कोई भी ना अच्छी चीज़ देख लेती हूँ ताकि मेरे दिमाग में रात भर कोई उठपटांग ख्याल ना आए, उठपटांग चीज़ें ना चले और भगवान की चीज़ें चले और मेरा माइंड बहुत रिलैक्स रहे ताकि मैं सुबह बहुत ही अच्छे से उठ पाऊँ। इसके बाद मैं एक और काम कर लेती हूँ, मैं अपने सुबह के लिए तांबे के लोटे में पानी भरकर रख लेती हूँ अपने बेड के नीचे और सुबह उठते ही इसे पी लेती हूँ। कहते हैं बासी पानी तांबे में लोटे में रखने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो मैं वही कर देती हूँ। अब कल मुझे बाल धोने हैं तो रात को मैंने ऑयलिंग कर ली, वैसे मैं नहाने से 2 घंटे पहले करती हूँ लेकिन आज मेरा मूड हो रहा था रात को ही करने का तो मैंने रात को ही कर ली। अच्छे से मैंने मसाज कर लिया, इसके बाद मैंने 2 ब्रेड बना ली। ब्रेड मैं हमेशा ही बनाती हूँ चाहे ऑयलिंग करूँ या ना करूँ, रात को मुझे लूज़ बाल सोना अच्छा नहीं लगता, बाल बहुत झड़ते भी हैं और अच्छे भी नहीं रहते, इसलिए रात को सोने से पहले मैं ये ब्रेड ज़रूर बना लेती हूँ।
अब बहुत इम्पोर्टेंट काम सोने से पहले, और वो है प्रे करना माता रानी को, आज के दिन का शुक्रिया अदा करना, हमारे साथ रहने का हमेशा अनुरोध करना, और मुझे हमेशा उनकी गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए प्रेयर मैं ज़रूर करती हूँ। ओके, दैट्स इट, गुड नाइट, बाय।